हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। और आज की इस वीडियो में मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ Asus zedphone मैक्स प्रो के कुछ स्पेसिफिकेशन और प्राइस और रिलीज डेट के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें ताकि हमारे फ्यूचर में अपडेट होने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। So without wasting any more time, let's start the video. तो दोस्तों बढ़ते हैं इसके डिस्प्ले की ओर। जो डिस्प्ले दिया गया है 6 इंच का डिस्प्ले है, जिसका स्क्रीन रेजोल्यूशन 1080p x 2160 पिक्सल है, जो कि 18.9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ आता है। अब बढ़ते हैं इसके प्रोसेसर की ओर। इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है स्नैपड्रैगन का 636 ऑक्टा कोर प्रोसेसर लगा हुआ है, जिसकी क्लॉक स्पीड 1.8 गीगाहर्ट्ज़ है। और इसमें जो जीपीयू लगा हुआ है वो एड्रीनो का 506 जीपीयू लगा हुआ है। और इसमें जो एंड्रॉयड वर्जन दिया गया है वो दोस्तों लेटेस्ट 8.0 ओरियो दिया गया है। और अब बढ़ते हैं इसके कैमरे की ओर। जो रियर कैमरा है वो दोस्तों डुअल कैमरा है, एक कैमरा 16 मेगापिक्सल का है और दूसरा कैमरा 5 मेगापिक्सल का है। और जो फ्रंट कैमरा है वो दोस्तों 20 मेगापिक्सल का कैमरा है। और दोस्तों रैम की बात करें तो इसमें एक 4GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, और एक वेरिएंट 6GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। और दोस्तों इसमें जो बैटरी लगी हुई है वो 5000 mAh की बैटरी है, जो कि बहुत ही बड़ी बैटरी है। और इसके साथ साथ आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब दोस्तों बढ़ते हैं इसके लॉन्च डेट के बारे में। इसका जो फाइनल लॉन्च डेट है वो 23 अप्रैल को है, और ये 23 अप्रैल को इंडिया और इंडोनेशिया में लॉन्च की जाएगी, और ये 23-24 अप्रैल तक आपको ऑनलाइन स्टोर में देखने को मिल जाएगी। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो ये प्राइस जो दोस्तों दी गई है यहाँ पर 15-17,000 के अंडर प्राइस रखी गई है दोस्तों, जो कि दोस्तों इस स्पेसिफिकेशन में परफेक्ट प्राइस है दोस्तों। और दोस्तों एक ओपिनियन दूँ तो ये मेरा खुद का ओपिनियन है, वो दोस्तों ये है कि ये बहुत ही आसानी से Redmi Note 5 Pro को बीट कर सकता है, वो भी बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का अपडेट आप तक पहुंचता रहे।